खबरां विस्तार दे नाल भारत दे राष्ट्रपिता अहिंसा दे पुजारी महात्मा गांधी दे जन्मदिन मौके राजघाट दे पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अते कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी दे नाल कई राजनीतिक आगुआं वल्लों श्रद्धांजलि दित्ती गई। 2 अक्टूबर 1869 नूं गुजरात दे पोरबंदर च जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने देश दी आजादी च अहम योगदान पाया। महात्मा गांधी भारत दी आजादी दे वेले राजनीतिक अते अध्यात्मिक आगू सन, जिस नूं महात्मा दा खिताब 1914 दे विच दक्षिणी अफ्रीका दे विच दित्ता गया सी, जो कि हुण दुनिया भर दे विच मशहूर है। गांधी दा जन्म पछमी भारत दे गुजरात सूबे दे विच एक व्यापारक हिंदू परिवार दे विच होया। लंदन दे विच कानून दी पढ़ाई करन तों बाद गांधी ने पहली बार दक्षिणी अफ्रीका दे विच भारतीय मूल दे हक्कां लई संघर्ष विच अहिंसक सिविल नाफरमानी का प्रयोग किया। 1915 दे विच भारत आउण तों बाद महात्मा गांधी ने भारी लगान अते शोषण दे खिलाफ किसानां ते मजदूरां नूं संगठित करना शुरू किया। 1921 दे विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रधान बनन तों बाद देश दी आजादी तक सरगर्म रहे। पूरा देश अज उस महात्मा नूं सिजदा कर रहा है। अमरीका दे एरोगेन खेतर च 20 साल बंदूकधारी वालों एक कालेज से गोलाबारी करने का मामला सामने आया, जिस दे विच 13 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 20 लोग जख्मी हुए ने, पर बाद दे विच पुलिस ने हमलावर नूं जवाबी कार्रवाई दौरान मार गिराया। दस्सिए कि यह घटना रेसोबर्ग स्थित उमपका कम्यूनिटी कॉलेज दे विच हुई, जिथे करीब 3000 विद्यार्थी पढ़ते ने। इस घटना संबंधी जांच कर रहे स्थानक अधिकारियों ने घटना संबंधी फिलहाल कुछ भी कहने तों मना किया है। डेरा सिरसा दे मुखी नूं मुआफी दित्ते जाण मगरों पंजाब सरकार अते पंजाब पुलिस ने पंज सिंह साहबाना दी सुरक्षा छतरी वधा दित्ती है। पंजाब पुलिस दे सुरक्षा विंग ने सिंह साहबाना दी सुरक्षा लई तैनात मुलाजमां दी गिणती 1 दर्जन करन दे नाल नाल 2-2 पायलट जिप्सियां भी मुहैया करवा दित्तियां ने। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह वल्लों सिख गुरु साहबाना दे स्वांग रचाउण दे मामले विच सिख साहबाना ने डेरा मुखी नूं मुआफी दे दित्ती सी, जिस तों बाद समुचे सिख पंथ अते सिख जथेबंदियां वल्लों इस मुआफी नामे दा लगातार विरोध कीता जा रिहा है। तख्तां दे सिंह साहिबाना विरुद्ध मीडिया अते सोशल मीडिया ते सिख संगतां वल्लों भारी रोस मुजहरा कीता गया। इत्थों तक कि सिख जथेबंदियां ने इस दे विरोध वजों पंजाब बंद भी कीता सी। लगातार हुंदे विरोध कारण पंजाब सरकार अते पंजाब पुलिस ने जथेदारां दे सुरक्षा कवच नूं होर मजबूत करन दी मुहिम विढ़ी है। सिंह साहिबाना नाल पहला 2 सुरक्षा मुलाजम हुंदे सन, जिन्हां दी गिणती हुण वधा दित्ती गई है। ज्ञानी गुरबचन सिंह, ज्ञानी गुरमुख सिंह अते ज्ञानी मल सिंह दे नाल हुण 2-2 पायलट जिप्सियां भी लाउण दे हुकम तुरंत लागू करन दे आदेश दित्ते गए ने। चंडीगढ़ स्थित सुरक्षा विंग वल्लों सिंह साहिबाना दी सुरक्षा विच वाधा कीता गया अते वाधू तैनात कीते मुलाजम चंडीगढ़ तों भेजे गए ने। न्यूज़ डेस्क तों नवनीत कौर दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी न्यूज़। श्री अकाल तख्त साहिब तों माफी मिलन तों बाद डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह ने समा आउण ते अकाल तख्त साहिब जाण दी गल कीती। इत्थों तक कि डेरा मुखी ने श्री अकाल तख्त साहिब नूं सिख धर्म दा सुप्रीम कोर्ट आखदिआं समुचे सिखां नूं तख्त दी गल मन्नण दी अपील भी कीती। साल 2007 विच सलाबतपुर डेरा विच इक समागम दौरान डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी दा पहरावा पहन के उहनां दा स्वागत आरिआ सी। डेरा सिरसा मुखी दे इस कारनामे कारण समुचे सिख पंथ दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची सी, जिस तों बाद डेरा मुखी खिलाफ थां थां ते रोस प्रदर्शन अते झड़पां होईआं, जिन्हां विच 3 सिखां दी मौत भी हो गई सी। हालात नूं समझदिआं श्री अकाल तख्त साहिब ने हुक्मनामा जारी करके डेरा मुखी दा बाइकाट करता सी अते पंजाब विचों नाम चर्चा उत्ते भी रोक लगा दित्ती सी। परंतु हुण 5 सिंह साहिबाना ने डेरा मुखी नूं मुआफी दे दित्ती है, जिस तों बाद डेरा मुखी ने अकाल तख्त साहिब उत्ते जाण दी गल आखी है। भावें कि डेरा मुखी वल्लों मुआफी मिलण मगरों अकाल तख्त साहिब जाण दी गल नूं सिख संगठन किस पक्ष विच लैंदे ने, इस बारे फिलहाल कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। न्यूज़ डेस्क तों नवनीत कौर दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी न्यूज़। दस्तार संबंधी दुनिया दे विच चल रहे सिख संघर्ष नूं उस वेले वड्डी सफलता मिली जदों बरतानिया सरकार ने एक नवे कानून दा इजाद कीता। इस कानून तहत बरतानिया दे विच सिखां नूं कम ते पग बनण दी छूट मिल गई है। बरतानिया विच हुण सिख दस्तार सजा के अपने कम्मां उत्ते जा सकणगे। बरतानिया सरकार ने एक नवा कानून लागू करन दे हुक्म दित्ते ने, जिस तहत सिखां नूं कम वालियां थावां उत्ते पग बनण दी छूट मिल गई है। सिख जथेबंदियां कई सालां तों बरतानिया दे रोजगार कानून दी उस खामी नूं दूर करन लई संघर्ष कर रहियां सन, जिस तहत सिखां नूं कम वालियां थावां ते पग बनण दी मनाही सी अते पग दी थां हैलमेट पाउणी पैंदी सी। पर बरतानिया सरकार दे लागू कीते नवें कानून मुताबिक
सिख हुण पग जां हैलमेट विचों किसे इक दी चोण कर सकदे ने। 1969 तों सिखां नूं निर्माण उद्योग विच हैलमेट पहन के नियमां तों मुक्त कीता गया सी, पर कारखानियां ते गोदामां विच इह कानून लागू नहीं होया। बरतानिया सरकार वल्लों नवें लागू कीते कानून तहत दस्तार नूं कानूनी मानता दे दित्ती गई है। इस नाल सिख जथेबंदियां वल्लों कीते जा रहे संघर्ष ते वी जित होई है। न्यूज़ डेस्क तों नवनीत कौर द्योड़ा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी न्यूज़। निहाल संगवाला दे पिंड धूड़कोट रंसी विच इक वड्डा हादसा टल गया। दरअसल पिंड दे ही सरकारी स्कूल दे विच बीती रात दीवान लगाए जाने सन, जिसकी तैयारी दौरान स्कूल दी ग्राउंड विच टेंट लगाउण दा काम चल रहा सी। पर उस वेले स्कूल दे कुछ बच्चे उत्थे पहुंच के खेडदे होए इक वड्डी टहरा वाली लोहे दी पौड़ी नूं धकेलण लगे, जिस कारण ग्राउंड उत्ते जा रही बिजली दीआं तारां पौड़ी नाल जा टकराईआं अते 10 बच्चिआं समेत कुल 12 लोक करंट दी चपेट दे विच आ गए, जिन्हां नूं नेड़ले हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। स्कूल दे प्रबंधक अते पिंड दे लोकां दा कहना है कि उन्होंने कई बार पावरकॉम दे जेई नूं खंभा अते तारां स्कूल तों बाहर कढ़ाउण लई कहा है, पर हुण तक ओह खंभा अते तारां बाहर नहीं कढ़िया गया, जो आए दिन इक वड्डे खतरे नूं बुलावा दे रहा है। उधर मौके ते पहुंचे निहाल सिंह वाला दी एसटी ते डीएसपी निहाल सिंह वाला जसविंदर सिंह दा कहना है कि उन्होंने इस हादसे संबंधी पावरकॉम दे अफसरां नूं तलब कर दित्ता है ते जिहड़े वी अफसर अणगहली करदे पाए गए उस दे खिलाफ सख्त कार्रवाई कीती जाएगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਆ ਉਹ ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫੀਸਰਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 11000 KV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਂਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5600 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ 11% ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5600 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਨ ਵਿੱਚ 11% ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਲੇਟਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਮੋਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
इस मौके एसपी ओब्राई ने कहा कि ट्रस्ट वालों सूबे 200 के करीब सिलाई और कंप्यूटर सेंटर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ट्रस्ट वालों किए जा रहे होर उपरालों से भी चानना पाया। क्योंकि हम बच्चे तो साढ़े सीखी भी जाते हैं, डिप्लोमा करी जाते हैं, सर्टिफिकेट ले जाते हैं, इन्ना कुछ बना रहे हैं, तो इन्होंने किसी पासे भी लगाना है ता जो इन्होंने इनकम शुरू हो सके। बच्चे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला करारत ऑलरेडी हैगी है, साढ़े एम ओ साइन हुए हुए हैं, तो जो बच्चे कुछ करना चाहेंगे अपना खोना उन्होंने या अपना काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने असं फाइनैशियली जी हेल्प बैंक को भी लाने। इतने अज मैं एक होर गल दसनी चाहवा अपने सर्वर के तरफ कि एक असं उपराला होर कर सकते हैं। जड़िया अच्छी बच्चिया है जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फस्ट वेजे में आ रही हैं, सो वो सत सत अठ अठ या दस दस लड़किया मिल के एक बुटीक टाइप वो खोल रहे हैं, वो असं फाइनैशियली हेल्प करा इन्होंने तर एक जी शॉप खुल जाती है उत्थे अठ बच्चे जो साढ़े अच्छे है वो अठ या दस बच्चे है उन्होंने एडजस्ट कर पावे उत्थे अपना देर सारा अपना हुनर दिखा काम इन्ना अच्छा कर फिर वो मार्केट में सेल भी हो सकता है। क्योंकि कल अगर अभी ट्रेनिंग दे जा रहे सर्टिफिकेट दे जा रहे तो बच्चों की गिनती तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं कल हिसाब लगा रहा है कि हूँ तक साढ़े तकरीबन 670 जो है सिलाई सेंटर के बच्चों असं सर्टिफिकेट दे चुके हैं, जिन्हें कि 6-6 महीने डिप्लोमे कर चुके हैं। कंप्यूटर सेंटर की गल करिए तो 500 बच्चे वो कंप्यूटर सेंटर में 6-6 महीने कोर्सिस कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, जल्द हाजिर हो रहे हैं कुछ होर खबरों के नाल, तुसीं देखते रहो चढ़दी कला टाइम टीवी।